बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, सबकी जो भी टेंशनें हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, जो कुछ भी है उनकी प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में, हमारी भी, अल्लाह ताला सब ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ किया करें यार, एक दूसरे को दिया करें, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए हमारे हक़ में। और जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को देखा करें फुल, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। धूप निकली हुई है बहुत मज़े की, आज इतना अच्छा दिन लगा हुआ था कि क्या बताऊँ, बट बाजी शकीला नहीं आई, बाजी शकीला नहीं आई। तो सोचा था कि आज इतनी अच्छी धूप लगी हुई है, मैंने फ़ोन भी किया बट फ़ोन रिसीव नहीं किया उन्होंने, क्या करे बंदा। बड़ी अच्छी धूप लगी हुई थी, बट अगर धुल जाते कपड़े तो बड़े अच्छे सूख जाने थे, मज़ा आ जाना था। क्यों लड़ाई कर रहे हो आप लोग? हाँ ये बच्चे लड़ाई कितनी करते हैं, क्यों कर रहे हो? नीचे करो शर्ट अपनी, सब देख रहे हैं आपको, पता है? नीचे शर्ट करो। दो अनाया भाई क्या मांग रहा है? कोकोमो मुझे भी दो, बट आई डोंट लाइक कोकोमो। और ये मेरे बच्चों की टोकरी हमेशा, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। इनमें से चीज़ें कम होती हैं और आ जाती हैं, कम होती हैं और आ जाती हैं। और एक हम होते थे, अल्लाह माफ़ करे, जब तक हम पूरा नागन डांस नहीं कर लेते थे हमें चीज़ नहीं मिलती होती थी। एक आजकल के बच्चे हैं जो मुँह से निकालते हैं सब कुछ पूरा हो जाता है, फौरन मिल जाता है इनको। तो अभी ये शापर रात आया था, तो इसमें से निकाल के, तो मैंने डाली नहीं थी इसमें, मैंने कहा अब डाल देती हूँ। और आप लोग सुनाओ क्या चल रहा है सबकी लाइफ में? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं यार, बहुत मज़ा आता है पढ़ के, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। तो ये कोकोमो है, छोटे पैकेट्स भी हैं और ये बड़ा भी आया हुआ है। कितना गंद खाते हैं ये बच्चे, खाने हैं किसी ने तो बताएं। दुकान लगी हुई है, आप लोगों को दिखाऊंगी, काम चल रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होना है, ख़त्म नहीं होता जल्दी, जब ये स्टार्ट हो जाता है ना तो तब नहीं ख़त्म होता। इतनी मज़े की धूप लगी हुई है, मैं तो बैठी धूप इंजॉय कर रही हूँ। अब तो तकरीबन टाइम काफ़ी हो गया, अब तो बेचारी जाने वाली है, हमें टाटा बाय बाय करने वाली है। क्या हुआ? अच्छा अच्छा तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो भांडे जो थे वो मैंने धो लिए हैं, भांडे बहुत ज़्यादा थे मैंने धो लिए। और बर्तन जब धुल जाते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, एक बर्तन धुल जाए और एक कपड़े धुल जाए तो ऐसा लगता है सारा काम ख़त्म हो गया। ये मैं लेके आई थी रात, मुझे पसंद है, मैं कभी कभी खाती हूँ बना के, और रात मुझे इनका चढ़ा हुआ था शौक खाने का, तो बट वो नहीं था ना, थे नहीं, तो फिर मैं लेके आई थी जाके। ये है गाजर का हलवा और ये है सोन हलवा, ये भी आया था रात, तो अभी निकाल के मैंने दिया था इनको खाने के लिए, तो इसको रखूँगी मैं फ्रिज में। और ये क्या हो रहा है, ये देखिए इसके काम, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो? ये डिब्बे से क्यों निकाल लिए सारी? तो इतनी सारी खाते हैं? नहीं ये वापिस और डालो इसके अंदर वापिस, इतनी नहीं खाते पता है ना, दांत खराब हो जाते हैं, नहीं खानी इतनी, नहीं थोड़ी सी और वापिस करो, फिर बुरी बात है, और नहीं लेनी ना फिर। ये अलमारी क्यों खोली है आपने? हाँ पीछे हटो, इसको बंद करूँ मैं, ये डब्बा इधर ही छोड़ दिया इसने। हाय मेरी रजाई बेचारी, ये इसको मैंने रखा हुआ था, धूप लगवानी थी
तो पहले तो हम ब्लैंकेट से ले रहे हैं, लेकिन अब ना ब्लैंकेट में ठंड लगती है तो इसको मैंने निकाल दिया था। मैंने कहा कि इसको ना अच्छी तरह धूप लग जाए, फिर इसको ना आज मतलब ये हमारे मिस्त्री भाई जो लगे हैं मैं ना उनके बाइक्स खड़े हैं। मज़ेदार मौसम था आज तो। मेरी सास आ गई हैं लाहौर से, तो वो कह रही हैं कि मुझे ना ये बना के दो। मैंने कहा ठीक है, आपको भी बना के देती हूँ। वज़ू कर रही हैं, नमाज़ पढ़ने लगी हैं, तो थोड़ा सा लेग को प्रॉब्लम है तो वो नीचे नहीं बैठ सकती। शैंक में आज हमारा कुछ पानी का प्रॉब्लम बना हुआ है तो पानी आ नहीं रहा, तो वो बाहर ही कर रही हैं फेस वॉश। तो मुझे कह रही थी मुझे ना मेरा दिल कर रहा है ये खाने को, तो मुझे ये बना कर दो। मैंने कहा अच्छा जी आप वज़ू करें, नमाज़ पढ़ लें, तब तक मैं आपको ये बना के देती हूँ। काफ़ी टाइम बाद आई हैं, पापड़ करा रहे पापड़। कल मुझे बड़ी हंसी आई, मेरी वीडियो में आ गया वो पापड़ वाला भाई ना, उसकी आवाज़ आ रही थी पापड़ करा रहे पापड़। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा पापड़ करा रहे पापड़, तो आज मैंने कहा सोच रही हूँ कि आज खुद ही पापड़ बना लेती हूँ घर में, करा रहे पापड़। बेटी मेरी ठीक नहीं है, उसको तो दूंगी नहीं, और मैं मम्मी जी और अहमद खान। और सास मेरी घर में नहीं थी तो बिल्कुल भी वो था, पता क्या होता है घर में जो रौनक होती है वो बुजुर्गों से ही होती है, ये जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। है ये छोटे छोटे क्यों रह गए हैं, बड़े क्यों नहीं हुए? अम्मी जी नहीं बन गए, पहन गए तो नमाज पढ़ ली है, पढ़ लो तो बन गए बस। हाँ इतने रहा दो शैन पे, कोई गल नहीं मैं लगा लेनी वाइपर। तो आज मैंने क्या पकाया है, टनन टनन, आज मैंने पकाई है कड़ी। और क्या पकाया है मैंने, राइस, कड़ी और वाइट राइस जो है आज हमारा डिनर है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।